आयुर्वेद के डॉक्टरों को 58 तरह की मुश्किल सर्जरी करने की इजाजत देने की अधिसूचना जारी करने के बाद एलोपैथी के डॉक्टर विरोध पर उतर आए हैं। इस विरोध के चलते उन्होंने शुक्रवार में सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद करने का आह्वान किया है। हालांकि इस दौरान कोविड के मरीजों का उपचार निरंतर रहेगा और इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित नहीं होंगी। ये जानकारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करनाल यूनिट के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने जो अधिसूचना जारी करने का मसौदा तैयार किया है वह आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक मरीज के सफल ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ता है। एक सफल सर्जन बनने के लिए कई सालों कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मरीज का ऑपरेशन करना है या नहीं यह डॉक्टर पर निर्भर करता है। आयुर्वेद के अंदर बहुत स्कोप है। सरकार को चाहिए कि वह आयुर्वेद के अंदर छिपे गुणों को बाहर निकालने का प्रयास करे, दो पद्धतियों को मिलाकर खिचड़ी बनाने का काम ना करे। इससे आम आदमी और मरीज दोनों ही परेशान होंगे और बेहतर इलाज से वंचित रह जाएंगे। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इसमें मौजूद हूं आईएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन्होंने कल के लिए यानी कि शुक्रवार 11 तारीख के लिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की ओपीडी सेवाएं बंद करने का आह्वान किया है। आखिर ये कदम इनको क्यों उठाना पड़ा, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष तौर पर आईएमए के पदाधिकारी मौजूद हैं। मैम, सारा क्या है मसला और आखिर आप क्यों कल ओपीडी बंद करने का आह्वान? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रंजना शर्मा है, प्रवक्ता हूँ आईएमए की। मसला सिर्फ ये है कि हम सरकार की मिक्सोपैथी यानी कि पद्धतियों को मिक्स करने की जो योजना है उसके खिलाफ है। हम किसी पद्धति के खिलाफ नहीं है, ना एलोपैथी के, ना आयुर्वेदिक के, ना होम्योपैथी के, ना यूनानी के, लेकिन दो पद्धतियों को मिक्स करके जो खिचड़ी तैयार करी जाए और उसके बूते पे सर्जरीज कर दी जाएँ, लोगों का कुछ भी दिमाग से लेकर पेट तक कुछ भी खोल दिया जाए और जनता को जो है ये पता ही ना चले कि हमें कौन सा डॉक्टर इलाज कर रहा है, वो आयुर्वेदिक है कि होम्योपैथी है कि एलोपैथी है, वो तो बेचारी इतनी जानती नहीं है। तो कम से कम हर पैथी का जो सैंक्टिटी है यानी कि जो उसकी पवित्रता है उसको बना के रखा जाए। अगर आयुर्वेद है तो आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दीजिए, हमने कभी मना नहीं किया। हम तो खुद आयुर्वेद के बहुत अच्छे इच्छुक हैं और हम चाहते हैं कि आयुर्वेदिक पद्धति जो है उसको पता चले। चार साल से उन्होंने आयुर्वेदिक की पढ़ाई करी है, उन्होंने जो शिक्षा जो दी गई है वो नहीं, वो एलोपैथी की नहीं दी गई है जी, वो उनको शिक्षा आयुर्वेद के हिसाब से दी गई है। जैसे अभी हम लोग जो बता रहे थे वो यही है कि जी छोटे से जब से एडमिशन होता है एलोपैथी में और जो मेडिकल कॉलेज सरकारी की बात कर रही हूँ, तब से जो है एक एक चीज़ अंग अंग जो है वो पढ़ाया जाता है और उसमें हमें एक एक नस का, एक एक वेन का, कहाँ से ब्लड सप्लाई है, कहाँ से क्या जा रहा है वो पता होता है। और सबसे बड़ी बात है जो दोबारा बोल रही हूँ कि जी सर्जरी करनी है या नहीं करनी है, इसको सीखने में कई साल लग जाते हैं कि सर्जरी करनी है तो किस तरीके से करनी है, नहीं करनी है तो हम इसको मेडिकली भी छोड़ सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब क्या हो सकता है कि क्योंकि हमने बहुत जल्दी आनंद फानंद में हमने शुरू किया कि भी सर्जरी करनी है, हो सकता है मरीज कहे मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है, जरा सर में का एक हिस्सा खोल के देख लो, हो सकता है वो भी होने लगे। तो सरकार पेट में आदेश है उसका विरोध करते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल विरोध करते हैं और विरोध के लिए हमने कल सवेरे 6 बजे से शाम के 6 बजे तक जो है वो ओपीडी सुविधाएं और इलेक्टिव सुविधाएं जितनी भी हैं, चाहे वो सर्जरी हो चाहे इलेक्टिव एडमिशन हो, सबको हम नहीं ले रहे हैं। केवल ये पूरे नेशन पे हो रहा है, ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है जी, और जिले में अपने जिले में हम सिर्फ जो है वो शाम को। मैं उन डॉक्टर्स जिनके रिगार्डिंग सरकार ने यह अधिसूचना जारी करने का प्लान किया उनका भी यही कहना है कि वो लोग समकक्ष है, कि वो लोग कैपेबल है इन चीज़ों को हैंडल करने के, लेकिन आईएमए जानबूझकर उनके रास्ते में आ रही है, इस बारे में कितना गुजर? ऐसा है, ये आप सर से पूछिए और ये असेसमेंट जो है ये अपने बारे में असेसमेंट जो है वो हम खुद तो अपने लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, है ना। ये थे रंजना, डॉक्टर रंजना शर्मा, आप मेरे साथ मौजूद हैं आईएमए करनाल यूनिट के प्रधान डॉक्टर अरुण गोयल। डॉक्टर साहब, आप इस सारे संदर्भ के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले आपको बताया, हमारा तो संक्षिप्त में एक ही जवाब है कि दो पद्धतियों को या दो पैथीज को मिक्स ना करें। जिस पद्धति में किसी ने डिग्री की है, पढ़ाई की है, सिलेबस पढ़ा है और ट्रेनिंग की है, उसी पद्धति की जो उसने ट्रेनिंग की है उसी हिसाब से वो इलाज करे।
हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेद में बहुत रिसर्च का स्कोप है, आयुर्वेद में इतना कुछ छुपा हुआ है जो अभी तक हमें उजागर नहीं है। सरकार को चाहिए कि उसके लिए बजट एलोकेशन करे, उसमें खूब अनुसंधान करे। हमारे भारत में आयुर्वेद सदियों से हमारे आयुर्वेद है, पर उसको हमने पिछले कुछ सालों से, 100-200 सालों से, जब से अंग्रेज हमारे देश में राज करके गए, उसको हम इतना डेवलप नहीं कर पाए। तो मेरा सरकार से अपील ये है कि उसमें रिसर्च करें, अनुसंधान करें। आयुर्वेद में इतना कुछ है जो शायद एलोपैथ में करना इंडिया में ना भी मिले। सब अगर यदि सूचना जारी हो जाती है तो आम आदमी के स्वास्थ्य पर और आम आदमी हॉस्पिटल जाने से डरेगा, क्योंकि वो इस बारे में अनभिज्ञ हो जाएगा कि उसके पास, उसको किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, किससे सर्जरी करवानी है, किससे नहीं करवानी। क्योंकि अब हर किसी के हाथ में, अगर ये अधिसूचना लागू हो जाती है, ये कानून लागू हो जाता है, तो हर किसी के हाथ में सर्जरी का सामान होगा। जबकि एक हर कोई जानता है कि सर्जरी के लिए एक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, एक स्पेशल स्टाफ और सबसे बड़ी बात एनेस्थीसिया का होना बड़ा ज़रूरी है, और एक प्रशिक्षित स्टाफ के अलावा वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हर चीज़ को ध्यान मद्देनज़र रखते हुए तब एक सर्जरी की जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने हमें बताया कि सर्जरी कब करनी है, किसी करनी है या नहीं करनी, इस सब को जज करना एक सर्जन का काम है, एक पढ़े लिखे डॉक्टर का काम है। एक सर्जन को बनने में 15 से 20 साल तक लग जाते हैं, 15 से 20 साल की तपस्या के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचता है कि वो किसी मरीज की सफल सर्जरी कर सके। अगर ये अधिसूचना लागू हो जाती है तो इससे आम आदमी के स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब है। आपने कहा मॉड्यूलर रोटी चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए, डॉक्टर प्रशिक्षित होना चाहिए, ये सब फैसिलिटीज़ तो चाहिए। उसके अलावा जो सर्जन हैं उनको इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए भी बहुत पढ़ाई की कराई जाती है, जो हमारे एलोपैथी में है। आयुर्वेदा में इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको शुरू में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में कहा कि इन्फेक्शन और सर्जरी, ये दो मेन चीज़ें हैं जो एलोपैथी का कोई और पद्धति मुकाबला नहीं करती। मैं ये नहीं कहता कि बाकी पद्धतियों से एलोपैथी बेस्ट है, ऐसा नहीं है। हम एलोपैथी में काम करते हैं, हम एलोपैथी को बेस्ट कहेंगे, पर दुनिया को भी पता है कि एलोपैथी में क्या क्या खूबियाँ हैं। एलोपैथी में जो लंबे बीमारी चलती हैं, क्रॉनिक एलमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, एलोपैथी शायद उसके लिए इतनी बहुत अच्छी शायद साबित नहीं होती। उसमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथी बहुत अच्छा करती हैं। इसीलिए मैंने जैसे आपको कहा कि आयुर्वेद में और होम्योपैथी में इतनी रिसर्च होनी चाहिए कि जो क्रॉनिक एलमेंट्स हैं उनके लिए आयुर्वेदा बहुत ही सहायक हो सकता है। सर, अगर कल के आपके इस ओपीडी बंद, सेवाएं बंद करने के बाद सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो आगे का आपका क्या विचार? देखिए, अभी हम बहुत छोटे लेवल पे एक प्रोटेस्ट करके एक विरोध जता रहे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार अपने फैसले को रिकंसिडर करे, दोबारा उस पर सोच समझ के फैसला करे। अगर सरकार उसमें फैसला अपना बदलती नहीं है तो फिर हमारी स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, लोकल ब्रांच लेवल है, फिर सब हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि इसके लिए फर्दर क्या करना है। अभी उसकी रूपरेखा कोई डिवल्ज नहीं की जा सकती, वो अभी हमें डिसाइड करना है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ करनाल आईएमए यूनिट के प्रधान डॉक्टर अरुण गोयल, जिन्होंने बता दिया कि जो सरकार ने यदि सूचना जारी करने का प्लान किया वो उसके विरोध में है, वो उसके विरोध में कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपनी ओपीडी सेवाएं बाधित रखें। लेकिन कोविड, जिन अस्पतालों में कोविड के मरीज लिए जा रहे हैं उनको बिल्कुल भी बंद नहीं किया जाएगा, वहाँ पर किसी सेवाओं को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जान के विस्तार से मैं जानकारी दी किस तरह से अगर किसी डॉक्टर को सर्जरी करनी है तो उसके लिए क्या उसको प्लान करना पड़ता है, कितनी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी पूजा करनी पड़ती है, कितने साल उसको एक सर्जन बनने में लग जाते हैं, उसके बाद वो एक मरीज को देखकर ही जज कर पाएगा कि इसकी सर्जरी आवश्यक है या नहीं है। लेकिन सरकार ने ये जो अभी सूचना जारी करने का प्लान किया है, इसका दूरगामी प्रभाव मरीजों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, सनी जोशी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.